हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है गर्मी चल रही है, गर्मियों में आम का सीजन होता है। मतलब इसमें कच्चे और पके दोनों तरीके के आम मिलते हैं और इनसे हम अनेक प्रकार के डिशेस भी बनाते रहते हैं, कच्चे आम के भी और मीठे और पके आम के भी। तो आज मैं कच्चे आम के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने इसके पहले भी आम अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज मैं आपके साथ कच्चे आम की जो अचार की रेसिपी बता रही हूँ, ये इंस्टेंट है, मतलब फटाफट तैयार हो जाता है ये अचार। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टिकाऊ अचार होता है ये, जल्दी ख़राब नहीं होता अगर आप इसे गीले हाथों से ना छुएं दो। तो चलिए, आप इस अचार को भी साल भर तक अच्छे तरीके से स्टोर करके खा सकते हो। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ली है, लगभग 7-8 लाल मिर्च मैंने यहाँ पे ले ली है। और इसके अलावा अचार का मसाला। अचार का मसाला किस तरीके से बनाना है आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से अचार का वो बनता है मसाला। तो मैं ऐसे भी बता देती हूँ कि इस मसाले में मैंने क्या क्या डाला है। पंचफोरन में जितने भी मसाले होते हैं ना, मतलब कि मेथी, सौंफ और कलौंजी, जीरा और राई, ये सारी चीज़ों को आपको पीस के इसका पाउडर बनाना होता है। तो राई यानी सरसों के अलावा जितने भी मसाले होते हैं उन्हें हल्का सा रोस्ट करते हैं और फिर पीसते हैं, और सरसों यानी कि राई को आपको ऐसे ही पीस लेना होता है। और इसमें मैंने हल्दी और नमक मिला के रख दिया है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अचार का मसाला आप बना के स्टोर कर सकते हो, तो मैंने स्टोर किया हुआ ही लिया है। यहाँ पर 4 टेबल स्पून है। और इसके अलावा नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना है अचार के अंदर आपको। तो आप नमक देख रहे हैं, नमक भी मेरा 4 चम्मच ही है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है यहाँ पे आपको। और इसके अलावा सरसों का तेल, तो सरसों तेल मैंने यहाँ पे, ये देखिए आप, सरसों तेल मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें चाहिए आपको हींग, हींग थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, ये देखिए अच्छी क्वालिटी का मैंने हींग लिया है, 1/4 टेबल स्पून। नमक, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। सबसे पहले क्या करना है, आम के छिलके हटाने हैं और आम को हमें ग्रेट करना है, यानी कि घिसना है हमें, यानी कि कद्दूकस करना है। तो देखिए आम को मैंने ग्रेट कर लिया, ये मैंने मतलब एक दिन रख दिया था आम को, इसलिए ऐसे पीला पड़ गया है, बट ये खट्टा वाला कच्चा आम है तो इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब चलिए बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल को गैस के ऊपर रखेंगे गर्म होने के लिए, और ये जो हमारे पास लाल मिर्च है इसे इस तरीके से थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे तोड़ तोड़ के, और इसके अंदर आम के अंदर हम डाल देंगे। तो ऐसे आपको इसके अंदर डाल देना है। तो आप देख पा रहे हैं गैस पे हमने रख दिया है ऑयल, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ हींग। तो ये देखिए हींग अच्छे से कड़क रहा है, और इसी ऑयल में डाल देंगे हम हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, इसके अलावा 4 टेबल स्पून अचार वाला मसाला और नमक, और गैस को हम बंद करेंगे। सारी चीज़ों को ऐसे आपको अच्छे से मिला लेना है। देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑयल के साथ पक गया है बिल्कुल, और ये हमारा ग्रेट हुआ आम। और ये देखिए अब हम इस ऑयल को इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए अच्छे तरीके से डाल दिया सारा ऑयल, अब इसे अच्छे से आप मिला लीजिए। तो देखिए आम में हमने सारा मसाला अच्छे तरीके से, नमक, हल्दी, मसाला सब कुछ अच्छे से मिला लिया है, और ये हमारा अचार जो है बिल्कुल तैयार है। बस 2 दिन आप इसे धूप दिखा दीजिए ताकि अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा और पक जाए, धूप लग जाएगा तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसके लिए जो आम यूज़ कर रहे हैं ना, बिल्कुल कड़ा कड़ा आम लीजिए। और देखिए मैंने तो हरे आम ही लिए थे कड़े कड़े, बट अंदर से ये थोड़े पीले हो गए हैं, स्वाद में ये खट्टे हैं, पके हुए नहीं हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल ताज़े ताज़े आप कच्चे आम ले लीजिए और उनसे बनाइए। ये अचार काफ़ी टिकाऊ होता है, वैसे अगर आप पानी के हाथों से नहीं छुएंगे ना ये अचार, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए फटाफट तैयार हो जाता है, इसे आप अभी भी टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस 2 दिन धूप हम इसलिए दिखा देंगे ताकि ये और अच्छे तरीके से, मतलब इसकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाए। तो आपको इसे साफ़ एयरटाइट कंटेनर में या जार में भर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जो जैम की शीशी आती है, अच्छे तरीके से मैंने इसे वॉश किया है गर्म पानी से, और बिल्कुल सूखा है, तो इसके अंदर आप इसे भर लीजिए।
और इसे हम 2 दिन धूप दिखाएंगे, उसके बाद ऐसे ही रख देंगे और यूज़ करेंगे। जब खाना हो तब खाइए आप, जल्दी ख़राब नहीं होगा ये अचार, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि ये रेसिपी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ले लीजिए हमारा अचार, 1 किलो आम के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें ली थी, तो आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और बस इसे हम 2 दिन धूप दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 घंटे, उसके बाद ऐसे ही रख देंगे। तो ये हमारा अचार जो है बिल्कुल तैयार हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।